कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। पास में मैंने कई बार कुछ चीजें करी और मैं नहीं कर पाई, मैंने इतनी बार ट्राई किया मैं नहीं कर पाया, मुझे लगता है मैं इस पर टिक नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगी। बोलना क्या चाहिए अपने आप को? नंबर एक कि मैं कर सकता हूं और मैं कर सकती हूं। नंबर दो कि मैं करने की कोशिश करूंगी, मैं फेल होंगी। ये बोले ही मत कि मैं फेल नहीं होंगी, यहां पे ट्रैप है, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आप रियलिटी से कट गए। आपको क्या लगता है अगर आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूं तो क्या मैं फेल ही नहीं होता हूं? कुछ करने का सोचा और उसमें मैं आउट ऑफ ट्रैक गया, फेल हुआ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता अपने माइंड को कि मुझे ये करना है और मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। मानो आप तो अपने शेड्यूल पे पक्के हो, एकदम से घर में किसी की डेथ हो तो क्या होगा? कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए शेड्यूल से आउट हो गए, अब वापस से शेड्यूल पे आना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत एक गलत वर्ड है, विल पावर चाहिए। मेहनत मतलब ये कि आपको पत्थर नहीं तोड़ने हैं, अपने अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से आप गिरोगे बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आप को क्या बोलना है, ये मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, आई एम डिफरेंट। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, यू कैन से दैट आई एम डिफरेंट। और लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, मैं अलग हूं इस दुनिया से, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पाओगे। लाइफ में अलग नहीं करोगे तो आपके साथ अलग होगा कैसे? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। सबके साथ क्या हो रहा है वो दिख ही रहा है, बाहर से हंसते हुए चेहरे हैं लेकिन अंदर से सबकी लगी हुई है कि नहीं? रियलिटी है ना, इस लाइफ ने उधेड़ के रख दिया है चारों तरफ से। तो बड़ा सिंपल है, अपने आप को बोलना है, मेरी इस बात को अपने गले उतारना है, मुझे दुनिया का नहीं पता लेकिन मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है, अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकती हूं, कि कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ठानती नहीं, समझ गया ना? ये भी अपने आप को सच बोलना है, मुझे पता है कि मैं कर सकती हूं। उस वक्त क्या करना है, अपने कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स हो गए आपकी लाइफ के, वो अपने आप को याद दिलाओ, कुछ ऐसा आपने किया होगा, कुछ ऐसा आप करते होगे जो और लोग नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, आप गाने में बहुत अच्छे हो, सकता है आप डांस में बहुत अच्छे हो, सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, कहीं ना कहीं तो होगे। हो सकता है आप बहुत समझदार हो, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पेरेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर देते हो सकता है, होता है ना, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को उस वक्त ये याद दिलाओ कि अगर मैं वो कर सकती हूं, वो कर सकता हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, है कि नहीं? मैं करूंगा, मैं बार बार फेल होऊंगा लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूं, मैं टिका रह सकता हूं। परमानेंट आप कभी भी किसी भी चीज पर टिके नहीं रह सकते। तो आसान क्या है, बार बार गिर करके चलते रहना आसान है, बस ये मतलब है। क्लियर है ना? हाँ, तो अपने अंदर इस बात को उतार दो गहराई तक जो मैं बोल रहा हूं। ये आपने उतार दी तो फिर तो क्या लिमिट्स हैं आपकी यार, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? अपने माइंड को पूरी तरह से अलर्ट रख सकते हो, अपने थॉट्स की तरफ अपनी अवेयरनेस रख सकते हो, कहने का मतलब है सब कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा, वही होगे जहां पर आज 20 साल हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, आते नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसे रहोगे। देखे ऐसे लोग, एज हो जाती है 50 साल 60 साल, मैच्योरिटी जीरो, बातें ऐसी जिसमें कुछ मजा ही ना आए सुनकर, है ना? उनके पास बैठोगे तो पता लगेगा कि इससे समझदार तो बच्चे हैं, कोई विजडम ही नहीं है अंदर। विजडम समझते हो ना, मतलब समझ, चीजों की समझ, जिंदगी की समझ, माइंड की समझ, दुनिया की समझ, काम की समझ, प्रॉब्लम्स की समझ। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना नहीं, इस कंट्री में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बड़बड़ 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 यही तो हो रहा है।
इसको विजडम कहोगे? ना, विजडम क्या है? जो प्रॉब्लम है सो है, मुझे क्या मतलब, मुझे सिर्फ यह देखना है कि उन प्रॉब्लम्स में से कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूं, और कोई बात मेरे काम की है ही नहीं। समझ गया ना? इसको क्या बोलेंगे? विजडम बोलेंगे, क्योंकि वो आदमी बिजी हो गया। बिजी तो वो भी है, वो किसमें बिजी है? प्रॉब्लम में बिजी है। तो ऐसे आदमी की लाइफ खुद एक प्रॉब्लम है। देखिए ना, इस लोग, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा, नेगेटिविटी के अलावा और कुछ है ही नहीं। और जिस आदमी का ध्यान सॉल्यूशंस की तरफ है, वो ना अपने लिए प्रॉब्लम है ना औरों के लिए प्रॉब्लम है।